हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एफटी थॉट्स। मेरा नाम है रवि कुमार। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कैसे आप लोग .gov वेबसाइट से बैकलिंक बना सकते हैं। आप लोग डू फॉलो बैकलिंक्स भी बना सकते हैं। सो गाइस, दोनों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। एक वेबसाइट .com वेबसाइट है जहां पे आप लोग डू फॉलो बैकलिंक्स बना सकते हैं, और जीओवी वाली वेबसाइट से भी आप लोग बहुत ही हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बना सकते हैं। तो आप लोगों को इसके लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, और इन दोनों बैकलिंक के जो लिस्ट है ये आप लोगों को मिल जाएगा। कहाँ पे वो मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो गाइस, इसके लिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है। ऐसी वीडियोज देखते रहने के लिए आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि ब्लॉगिंग एंड बैकलिंक से रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो देख सकते हैं गाइस, ये दोनों वेबसाइट है जहां से आप लोगों को 100% डू फॉलो बैकलिंक मिलने वाला है। तो सबसे पहले गाइस, दोनों वेबसाइट के स्टैट्स हम चेक कर लेते हैं, जैसे उसका डी ए पी ए स्पैम स्कोर बैकलिंक सारी चीजें हम चेक करेंगे। तो देख सकते हैं वेबसाइट seochecker.com की वेबसाइट पे मैं आया, दोनों वेबसाइट को पेस्ट किया मैंने, और चेक के बटन पे जैसे ही मैं क्लिक किया मैंने, तो देख सकते हैं डी ए पी ए इन दोनों वेबसाइट के 50+ है। टोटल बैकलिंक्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5 लाख से ज्यादा और 7 मिलियन से ज्यादा बैकलिंक्स बनाए गए हैं। स्पैम स्कोर 1% और 15 साल पुरानी वेबसाइट है। तो गाइस, यहाँ पे दोनों वेबसाइट के जो स्टैट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। तो सबसे पहले तो गाइस, मैं पहले वेबसाइट पे बैकलिंक बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो जो कि बहुत ही ईजी है। आप लोगों को सिंपली इस वेबसाइट पे विजिट करना है। अब देख सकते हैं मेरा अकाउंट यहाँ पे पहले ही बन रखा है, तो मैं आप लोगों को इस वेबसाइट को इकॉग्निटो मोड में ऑन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे आप लोगों को वेबसाइट दिखेगी। तो देख सकते हैं गाइस, इकॉग्निटो मोड में मैं इस वेबसाइट पे विजिट किया, तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो आप लोग फेसबुक या गूगल के जरिए यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी प्रोसेस है। अकाउंट बनाने के बाद गाइस, आप लोगों को प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाना है, और यहाँ पे गाइस अगर आप लोग देखें तो मेरे वेबसाइट के लिए बैकलिंक बना हुआ है। अब अगर मैं इसे न्यू टैब में ओपन करता हूँ तो मेरे वेबसाइट ओपन हो जाती है। इसी के साथ साथ अगर मैं आप लोगों को इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, सो आप लोग देखेंगे गाइस कि यहाँ पे मेरे को 100% डू फॉलो बैकलिंक मिला हुआ है, जिसका मतलब है गाइस कि मेरे को इस वेबसाइट से डू फॉलो बैकलिंक मिल गया, क्योंकि कहीं भी यहां पर नो फॉलो नहीं लिखा है। तो इसका मतलब हमें डू फॉलो बैकलिंक मिल गया। अब आप लोगों को सेटिंग के बटन पे क्लिक करना है, और यहां पे गाइस एक वेबसाइट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहां पे आके आप लोगों को अपने वेबसाइट का अपना URL पेस्ट कर देना है, तो आप लोगों को यहां से एक डू फॉलो बैकलिंक मिल जाएगा। तो गाइस, बहुत ही सुपर इजी प्रोसेस है जहां से आप लोग डू फॉलो बैकलिंक बना सकते हैं। तो ये पहली वेबसाइट थी। अब गाइस, जो सेकंड वेबसाइट है वो .gov मतलब कि गवर्नमेंटल वेबसाइट है, और इस वेबसाइट का जो बैकलिंक होते हैं उसके अलग ही इंपॉर्टेंस होती है, सब आप लोगों को पता ही होगा। तो आप लोग जैसे इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो गाइज यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ अजीब सा दिखेगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर मैं इसे इकॉग्निटो मोड में ऑन करके दिखाऊं तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर कहीं भी अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन आप लोगों को नहीं दिखेगा। देख सकते हैं, कहीं भी अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन आप लोगों को नहीं दिखेगा। जहां पर मैंने जो अकाउंट बनाया यहाँ पे ये दिख रहा है। तो ये आप लोगों को इनेबल करने के लिए क्या करना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को आना है गाइज कनेक्ट वाले सेक्शन में, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है कनेक्ट वाले सेक्शन में। देन इसके बाद यहां पे आप लोगों को फॉरम के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही गाइस आप लोग फॉरम्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, और यहाँ पे गाइस आप लोगों को ऑप्शन दिख जाएगा लॉगिन टू पार्टिसिपेट। तो यहाँ पे लॉगिन टू पार्टिसिपेट के बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों का अकाउंट यहाँ पे बनेगा, और अकाउंट बनाने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ये सारी चीजें डालनी है। देन इसके बाद एड्रेस में यहाँ पे मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो यहाँ पे सिटी वगैरह सारी आप लोगों को अमेरिका से रिलेटेड डालनी है, और कंट्री भी आप लोगों को यूनाइटेड स्टेट्स डालना है। फोन नंबर, ये सारी चीजें आप लोग कुछ भी डाल दीजिएगा, ये वेबसाइट एक्सेप्ट कर लेगी। बट आप लोगों को ये मेक श्योर करना है कि वो ये अमेरिका का ही हो। तो ये सारी चीजें एंटर करने के बाद गाइज आप लोगों के पास एक कंफर्मेशन मेल जाएगा, तो वो कंफर्मेशन मेल भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कुछ इस तरीके का कंफर्मेशन मेल होगा। तो आप लोगों को ये जो लिंक दिख रहा है, इस लिंक पे क्लिक करना है ब्लू कलर में। इस पे जैसे ही गाइज आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों का अकाउंट गाइज यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, और एक बार अगर आप लोगों का अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो आप लोग इस जीओवी वाली वेबसाइट से, जो कि यूएसए से रिलेटेड वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग अपना बैकलिंक बना सकते हैं। तो बैकलिंक आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ गाइज। यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म नाम से मेरा एक बैकलिंक बना हुआ है। उससे पहले आप लोग उसे बनाएंगे कैसे ये दिखा देता हूँ। तो एडिट के बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कॉन्टेक्ट फॉर्म यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे URL वाले सेक्शन में जा सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे आप लोग अपने URL पेस्ट कर सकते हैं अपने वेबसाइट का, अपने पोस्ट का, और यहाँ पे लिख देंगे माई ब्लॉग या माई वेबसाइट, और सारी चीजें करने के बाद सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे।
अब अगर आप लोग देखे गाइस तो यहाँ पे मेरा जो वेबसाइट है डू फॉलो बैक लिंक यहाँ पे बन जाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पे वेब लिंक्स वाले सेक्शन में आ जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों को बैक लिंक नहीं मिलेगा, आप लोगों को एडिट वाले सेक्शन में जाना और एडिट वाले सेक्शन में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म के बटन पे क्लिक करना है तो आप लोगों का बैक लिंक यहाँ पे बनने वाला है। तो आप लोग इसे चेक करने के लिए माई अकाउंट के बटन पे क्लिक करेंगे और अगर आप लोग देखेगा इस तो यहाँ पे अगर आप लोग इसे न्यू टैब में ओपन करेंगे तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है, जिसका मतलब है कि हमें बैक लिंक मिल गया। और अगर हम इंस्पेक्ट करके देखें तो गाइस आप लोग देखेंगे कि हमें यहाँ से .gov नो फॉलो बैकलिंक मिला है। बट आप लोगों को पता ही है कि गवर्नमेंटल वेबसाइट से बैकलिंक मिलना ही बहुत बड़ी बात है, ये मैटर नहीं करता कि वो डू फॉलो या नो फॉलो। सो गाइस मैंने दो वेबसाइट से आप लोगों को बैकलिंक दिलवाया, अब अगर आप लोगों को ये दोनों लिंक चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, नीचे हमारे टेलीग्राम का ग्रुप है उसे आप लोग ज्वाइन करिए, उसमें आप लोगों को दोनों लिंक मिल जाएंगे। सो गाइस आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।